हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर वेब ऑफ लाइफ मतलब कि लाइफ का जाला वेब मतलब क्या होता है जाला सो स्टूडेंट्स वी रियलाइज दैट आवर लाइफ इज डिपेंड ऑन प्लांट्स वाटर हाउस सन लाइट एयर एनिमल्स वहीकल्स एक्सेट्रा दे विल अंडरस्टैंड दिस एंड विल बी एबल टू टॉक अबाउट ईट तो स्टूडेंट्स हमारी जो लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड्स है प्लांट्स के ऊपर वाटर हाउस सन लाइट एयर एनिमल्स वहीकल एक्सेट्रा ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारी जो लाइफ है वो डिपेंडेड है एयर वॉटर फूड एंड अ होम इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अर्स टू लिव ये जो सारी चीज़ें है हवा पानी खाना और हमारा घर ये हमारी जो लाइव जो हमारी जिंदगी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है नेसेसरी मतलब आवश्यक वस्तुएं है ह्यूमन्स हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर लाइफ जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेड है लाइफ के लिए तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेड है प्लांट्स और एनिमल्स के बिना वी कैन नॉट लिव इन द सेम वे प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ह्यूमंस दस लाइफ इज इंटर रिलेटेड और जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेड है वो ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेड है इस वजह से जो हमारी लाइफ है प्लांट्स एनिमल्स एंड एन ह्यूमंस हमारी सबकी जो लाइफ है वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो क्या है सन वी गेट लाइट एंड हीट एनर्जी फ्रॉम द सन हमें लाइट और हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है तो सन के पास से मिलती है वॉट एवर एनर्जी ईच लिविंग बींग हैज इज ऑप्टेन फ्रॉम द सन लिविंग थिंग्स जो भी है लिविंग बिंग्स हैं उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है तो सन के पास से मिलती है द मून मेक्स द अर्थ कूल बोथ दीज आर सेलिस्टियल ऑब्जेक्ट्स मून है वो अर्थ को क्या करते हैं कूल cool करती है और सन से क्या होता है अर्थ हॉट होता है तो हॉट एंड कूल का प्रोसेस कौन करता है सन एंड मून बोथ तो ये कौन से ऑब्जेक्ट्स है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है एयर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज प्रीशियस फॉर अर्थ जो एयर है हवा अर्थ के अंदर पृथ्वी के अंदर जो हवा है जो प्रेजेंट एयर वो बहुत ही प्रीशियस मतलब की कीमती है वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर क्या आप हवा के बिना एयर के बिना जिंदा रह पाओगे नहीं हम नहीं रह पाएंगे ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंटर्स आवर बॉडी एंड गिव्स अस न्यू एनर्जी हमारी बॉडी को किसकी ज़रूरत है ऑक्सीजन की ज़रूरत है सो so, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंटर्स आवर बॉडी एंड गिव्स अस न्यू एनर्जी जो हवा के अंदर का ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है और वो हमें अलग से नई एनर्जी देता है वी लिव ऑन द अर्थ मेक होम्स ऑन ईट फार्म ऑन ईट बिल्ड फैक्ट्रीज़ फॉर बिजनेस परपज स्कूल्स न्यू बिल्डिंग्स गार्डन्स ग्राउंडस टेम्पल्स एंड अदर रिलीजियस प्लेसेस ऑन ईट हम अर्थ के ऊपर रहते हैं उसके ऊपर घर बनाते हैं खेती करते हैं फिर नई नई फैक्ट्रीज बनाते हैं फॉर बिजनेस पर्पस, स्कूल बनाते हैं नए नए बिल्डिंग्स बनाते हैं गार्डन बनाते हैं ग्राउंड टेम्पल्स और अदर रिलीजियस प्लेसेस भी इसके ऊपर अर्थ के ऊपर है अर्थ इज़ कनेक्टेड टू अवर लाइफ्स इस वजह से अर्थ भी हमारी लाइफ्स को कनेक्ट करती है वी मस्ट प्रोटेक्ट इट इस वजह से हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए अर्थ की रक्षा करनी चाहिए द वेब ऑफ अवर लाइफ इज कनेक्टेड टू ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ इस तरीके से जो जाला है हमारे लाइफ का वो एक दूसरे के साथ क्या है कनेक्टेड टू ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, उसके साथ वो कनेक्टेड है तो यहाँ पर आप लोग टेक्स्ट बुक में पिक्चर देख सकते हो उसमें आप देखो बीच में सर्कल दिया है मिडल पोर्शन में क्या है सर्कल है और उसके अराउंड हमें डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दी गई है तो आप वो थिंग्स देख सकते हो वो चीज़ें देख सकते हो तो चलो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं बर्ड से स्टार्ट करते हैं तो देखो यहाँ पर है बर्ड प्लांट्स स्नेक स्क्वीरल वाटर सन फिर नीचे है प्लांट्स ग्रास उसके बाजू में है एयर उस सॉइल रेड काव एंड मून सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अर्थ के ऊपर जो भी डिफरेंट डिफरेंट थी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारी चीज़ें हमने मैच की हुई है एक दूसरे के साथ तो हमने इस तरीके से मैच की गई है जॉइन कैसे किए हैं हमने सो जॉइन द पिक्चर्स विथ लाइन्स टू ऑल दोज थिंग्स विच वी फिल आर नीडेड फॉर अवर लाइफ हमारी लाइफ के जी लिए जो भी चीज़ें हमें आवश्यक है वो चीज़ों के साथ हमने क्या किया है मैच किया है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने जैसे मैच किया है सेम वैसे ही आप लोगों को भी मैच करना है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ कि जैसे कि ये प्लांट है तो प्लांट्स को किस ज़रूरत है वाटर की सो so, प्लांट्स को हमने वाटर के साथ मैच किया है फिर यहाँ पर स्नैक है स्नैक्स को भी वाटर चाहिए स्क्वीरल स्क्वीरल को भी पानी चाहिए फिर बर्ड तो बर्ड को भी पानी चाहिए उसके बाद है हाउस तो हमें अगर हाउस बनाना है सो वी नीड वाटर टू मेक अवर हाउस यहाँ पर जो ग्रास है तो ग्रास को भी क्या चाहिए पानी चाहिए विदाउट वाटर ग्रास ग्रो नहीं हो पाएगा तो इस तरीके से जितने भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती है तो इस तरीके से हमें उसे मैच करना है तो स्टूडेंट्स आप लोगों को भी यहाँ पर मैंने जैसे मैच किया है वैसे आप लोगों को भी मैच करना है ओके स्टूडेंट्स तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सन और मून भी एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं तो आप लोगों को दोनों तरफ एरो करना है क्योंकि सन और मून दोनों हमारे अर्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है बिकॉज सन जो है वो हमारी अर्थ को गर्म करता है मतलब कि हीट देता है लाइट एनर्जी देता है एंड जो मून है वो अर्थ को कूल करने का काम करता है सो so इस तरीके से सन एंड मून दे बोथ आर रिलेटेड टू अवर अर्थ सो वी हैव टू मैच लाइक दिस ओके स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट देखेंगे हम अभी तो अभी आप लोगों को पेज नंबर वन हंड्रेड एंड सिक्स टू देखना है बाय नाउ यू मस्ट हैव रीड ऑलमोस्ट द कंप्लीट बुक यू हैव रीड अबाउट ट्रीज वाटर हाउसेस एनिमल्स व्हीकल्स एंड मैनी अदर थिंग्स तो आपने रीड किया होगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में लाइक ट्रीज ट्रीज़ के बारे में भी आपने पढ़ा है वाटर हाउसेस एनिमल्स व्हीकल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपने स्टडी किया होगा यू मस्ट हैव थॉट अबाउट दैम एज़ वेल आपको उसके बारे में भी सोचना है जो भी चीज़ों के बारे में आपने स्टडी किया है उसके बारे में भी आपको सोचना है कैन यू टेल

वो एक दूसरे को क्या करती है रिलेट करती है एक दूसरे को यूज़फुल है वो एक तरीके से या फिर दूसरे कोई भी तरीके से वो एक दूसरे को क्या है यूज़फुल है फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स सन वाटर एनिमल्स हाउसेस व्हीकल्स एंड मैनी अदर थिंग्स सो वी हैव ट्राई टू नो एंड थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स तो हमें ये सारी चीज़ों के बारे में क्या करना है सोचना है कि वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ह्यूमन बींग्स डिपेंडेड है तो कैसे है अगर हमें खाना चाहिए फूड चाहिए तो हमें किसके पास से वो मिलेगा या तो फिर प्लांट्स के पास से या फिर एनिमल्स के पास से सो so, ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू तो प्लांट्स एंड एन एनिमल्स एंड जो प्लांट्स है उन्हें किसकी ज़रूरत है ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत है प्लांट्स एंड एनिमल्स को किसकी ज़रूरत है ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत है हाउ कैसे तो फिर जो भी प्लांट्स है उसे ग्रो करना है तो उसके अंदर जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कौन देगा तो ह्यूमन बींग जैसे कि वाटर की ज़रूरत है तो उसमें पानी डालने का काम कौन करेगा तो ह्यूमन बींग और फिर अगर उसके फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है तो उसे भी हम प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को फ़र्टिलाइज़र प्लांट्स के अंदर अगर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है तो हम वो भी डालते हैं तो इस तरीके से प्लांट्स को जो इसेंशियल्स चीज़ें हैं थिंग्स हैं इसेंशियल थिंग्स सो वो हम प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को एनिमल्स को भी जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको भी हम रखते हैं तो फिर उन्हें खाना देते हैं पानी देते हैं तो इस तरीके से हम उनकी केयर करते हैं सो दे Also related to us. Okay students, now look at the next page, page number 163 how are we linked to the thing shown in the picture come let us find out लेट अस फाइंड आउट तो हमने अभी सारे पिक्चर्स देखे वो एक दूसरे को कैसे रिलेटेड है कैसे लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ वो सब हमने अभी देख लिया है और एक दूसरे के साथ मैच भी कर दिया है ड्रॉ योर पिक्चर इन द ब्लैंक स्पेस तो आप लोगों ने देखा है कि जो हमने पहले पिक्चर देखा है उसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ है तो वो सर्कल में आप लोगों को एक फेस ड्रॉ करना है क्या करना है फेस ड्रॉ करना है ड्रॉ योर पिक्चर मतलब हमें वहाँ पर अगर आप गर्ल हो तो गर्ल का पिक्चर ड्रा करना है अगर बॉय हो तो बॉय का पिक्चर ड्रॉ करना है नेक्स्ट नाउ जॉइन Your picture with lines to all those things which you feel are needed for you to live. तो हमने सारे पिक्चर्स को मैच कर दिया है जॉइंट कर दिया है. हैव यू जॉइन योर पिक्चर टू द हाउस तो आप पिक्चर में देखो आपकी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो हैव यू ज्वाइन योर पिक्चर टू द हाउस क्या आपने आपका पिक्चर हाउस के साथ मैच किया है यस और नो तो yes, यस हमने हमारा जो पिक्चर है वो हाउस के साथ मैच किया है बिकॉज हाउस इज़ आवर बेसिक नीड सो वी हैव टू मैच विद हाउस इस वजह से हमने हाउस के साथ उसे मैच किया है नेक्स्ट क्वेश्चन लेट सी विथ वॉट अदर थिंग्स कैन वी ज्वाइन द हाउस टू और दूसरी कौन सी कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमने हाउस के साथ मैच किया है सो वी कैन ज्वाइन द हाउस टू वुड प्लांट्स ब्रिक्स एंड मॉड मीन्स की ग्राउंड एंड वॉटर ये सारी चीज़ों के साथ हमने हाउस को मैच किया है नेक्स्ट थिंक वॉट इज़ ए हाउस मेड ऑफ़ हाउस किससे बनता है सो ए हाउस इज मेड अप ऑफ वुड ब्रिक्स क्ले सीमेंट Concrete and water. Next question. तो फिर यहाँ पर क्या है वुड विच कम्स फ्राम ट्री यहाँ पर सारी चीजें दी गई है जिससे हाउस बनता है और ये सारी चीज़ें हमें किसके पास से मिलती है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो वुड वुड हमें किसके पास से मिलता है तो प्लांट्स के पास से मत, कि ट्रीज के पास से मिलता है नेक्स्ट इज ब्रिक्स विच आर मेड फ्रॉम वाटर एंड क्ले ब्रिक्स किससे बनती है वॉटर और क्ले चाहिए अगर हमें ब्रिक्स बनाना है तो हमें क्या चाहिए वाटर एंड क्ले तो वो हमें कहाँ से मिलती है नेचर के पास से मिलती है देन नेक्स्ट इज़ क्ले वी गेट फ्रॉम द सॉइल क्ले हमें कहाँ से मिलती है तो सॉइल मतलब कि मिट्टी के जो हमारा सॉइल है ग्राउंड के ऊपर होता है वहाँ से हमें क्ले मिलता है नेक्स्ट वाटर वाटर कहाँ से मिलेगा हमें सो वी गेट इट फ्रॉम रिवर्स पॉन्ड्स वेल्स और रेन्स तो वाटर हमें कहाँ से मिलता है नदी में से तालाब में से कुए कुआ वेल्स मतलब कुएँ में से या फिर जो बारिश आती है उसे सो मेन सोर्स क्या है वाटर का रेन तो so ये सारा पानी हमें कहाँ से मिलेगा मेनली तो रेन के पास से मतलब कि बारिश अगर बारिश नहीं आएगी तो पानी हमें नहीं मिल सकता है नेक्स्ट इट मस्ट बी क्लियर टू यू with with पिक्चर और वर्ड्स यू नीड टू join द हाउस तो अभी आप क्लियर हो गए हो कि हाउस के साथ आपको कौन से कौन से वर्ड्स या फिर कौन से कौन से पिक्चर्स को मैच करना है इन द सेम वे जॉइन ऑल द थिंग्स with other थिंग्स रिलेटेड टू them. इस तरीके से सारी चीज़ों को जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है उसे आपको मैच करना है वायर डूंग सो यू माई इट नीड टू राइट आप और भी चीजें लिख कर उसको भी मैच कर सकते हो वॉट है आप लोगों ने सारी चीजें एक दूसरे के साथ मैच कर दी है तो अभी आपको फाइनली क्या मिला है एक वेब मतलब की एक जाले की तरह हमें फाइनली वो मिला है आई हैली गोट अग वेब हमें एक बहुत ही बड़ा जाला मिला है वॉट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वेब तो आप ये वाले वेब से क्या सीखे हो सो फ्रॉम दिस वेब आई अंडरस्टैंड दैट देर आर मैनी थिंग्स दैट आई नीड टू लिव ए कम्फर्टेबल हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ तो यहाँ से हमें क्या सीखने मिला है क्या सीखे हम उसे क्या समझे हैं सो so, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए लिविंग लिविंग के लिए मतलब कि जी, जीने के लिए कंफर्टेबली अगर हमें जीना है हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जीना है तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती है नेक्स्ट इज़ थिंक एंड राइट वॉट थिंग्स विल बी नीडेड टू मेक अ कोट कोट मतलब क्या होता है स्टूडेंट जो खाट होती है उसे कहते हैं कोट मतलब कि हम अगर गुजराती में सीधी भाषा में बोले तो कोट का मतलब होता है खाटला बराबर तो वो कोट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए वुड नेल्स कॉटन रोप्स एंड कॉयर सो वुड हमें कहाँ से मिलेगा विच कम्स फ्रॉम ट्रीज ट्री के पास से नेल्स विच कम्स फ्रॉम आयरन कॉटन रोप विच कम्स फ्राम कॉटन एंड कॉयर विच कम्स फ्राम कोकोनट फाइबर्स ओके थिंक एंड राइट वॉट अर दिंग्स कूड बी यूज इन प्लेस ऑफ कोट तो और दूसरी कौन सी चीज़ है वो आप कोट की जगह रख सकते हो कि कोट नहीं अगर हमें और कोई दूसरी चीज़ बनानी है तो वी कैन यूज अ बेड ए सीटी ए काउच ए दीवान एक्सेट्रा इंस्टेड ऑफ ए कोट चार पाई कोट मतलब चार पाई भी होता है तो हम कोट की जगह क्या रख सकते हैं तो बेड रख सकते हैं सीटी रख सकते हैं काउच अ दीवान रख सकते हैं, एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें हम इन प्लेस ऑफ ए कोट रख सकते हैं सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा सो अवर चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर वेब ऑफ लाइफ इज़ फिनिश्ड हीयर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के हार्डवर्ड्स नहीं हैं तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में वर्कबुक का पार्ट देखेंगे ओके स्टूडेंट बाय बाय थैंक यू